इस दिवाली मैंने अपने सोशल मीडिया पर एक सूतली बम जलाते हुए वीडियो अपलोड करी थी जिसको भाई 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख रखा था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इतने सारे व्यूज आए कैसे? क्या जो बम मैंने जला करके डब्बे के अंदर डाला हुआ था वो एक्चुअल में फटा था? नहीं। तो हे गाइस, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं योर स्मार्ट मेकर। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बॉम्ब बनाने वाली वीडियो के पीछे का सीक्रेट समझेंगे कि इसको हम लोग ने इतना रियलिस्टिक बनाया कैसे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही भयंकर हॉरर सीन को भी क्रिएट करने वाले हैं जो कि वो भी देखने में काफी रियलिस्टिक सा लगेगा। तो ये सारी चीजें शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज आप लोग इनमें से कोई भी चीज ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को एडिटिंग नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि फिल्मों में या फिर कुछ कुछ वेब सीरीज में जब आप लोग इस तरीके का एक रियलिस्टिक सीन देखते हो तो उसको बनाने के पीछे एक्चुअल में कौन कौन सा जुगाड़ और ट्रिक का यूज किया जाता है। तो इसी बात पे जाकर के आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से इसके अंदर का सीक्रेट समझते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसी बॉम्ब वाली वीडियो से। देखो, ये वीडियो पे इतने सारे व्यूज आने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि ये वीडियो देखने में काफी हद तक रियल लग रहा है और इसको रियल दिखाने के पीछे बहुत सारे टेक्निक का यूज किया गया है। दो सबसे बड़े की पॉइंट्स बताता हूँ। पहला तो इसके अंदर हमने सेम साउंड डिजाइनिंग करी है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी वहां पर चीजें हो रही थी उसी हिसाब से हमने अलग से एक साउंड पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक और कोई भी सॉन्ग का यूज नहीं किया है। और दूसरा, यहाँ पर जो हमने कलर ग्रेडिंग का यूज किया है उसको काफी हद तक हमने न्यूट्रल रखा है ताकि वीडियो देखने में ना एकदम से रियल लगे, ओवर सैचुरेटेड ना लगे। ओके, तो अब पॉइंट पर आते हैं कि इसको हम लोग ने शूट कैसे किया। पहले तो देखो, मैं ट्राइपॉड पर अपने फोन को एकदम से लो एंगल पर सेट कर देता हूँ उसी डब्बे को पास रखते हुए। एंड अगर आप लोग फ्रेमिंग पर ध्यान दोगे तो डब्बे को हमने एकदम पास में रखा है, मतलब 70% जो एरिया है उसको डब्बे से ही कवर कर रखा है ताकि जब कोई भी स्वाइप करके वो वीडियो को देखे ना तो उनका ज्यादा फोकस उस डब्बे पर जाए ना कि कहीं और। तो ये चीज भी काफी यूजफुल होती है अगर आप लोग को एक सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम तक फोकस करवाना हो तो। ओके, तो अब मैं आप लोग को इसके अंदर का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। तो यहाँ पर जो सूतली बम हमने यूज किया है ना, वो एक्चुअल में रियल सूतली बम है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? यस, हम लोग ने जो सूतली बम का मेन पार्ट होता है उसको पहले ही निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। और उसी जगह पर हमने यहाँ पर एक पत्थर डाल करके सेम जैसा सूतली बम दिखता है वैसे ही एक डुप्लीकेट सूतली बम रेडी कर लिया था। अब इसके अंदर बचा सिर्फ धुआं और कुछ भी नहीं। तो भाई सब कुछ यहाँ पर रेडी हो जाता है। यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ एंड उसी सूतली बम में आग लगा करके डब्बे के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बहुत ही मजेदार ट्रिक का यूज किया है, मतलब 90 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा बट किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया। देखो, जो बंदा सूतली बम में आग लगा करके पीछे जाता है तो ध्यान देना वो फ्रेम से आउट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वापस फ्रेम में आता है ना तो ये दोनों वीडियो अलग अलग टाइमिंग पर रिकॉर्ड करी गई है बट देखने में ये एक ही टाइम पर लग रहा है। तो देखो होता क्या है, जैसे सूतली बम में आग लगा देता हूँ उसके बाद जब मैं पीछे जाता हूँ तो बंदा फ्रेम से आउट हो जाता है। उसके बाद मैं पास आता हूँ डब्बे के एंड कुछ इस तरीके से एक्ट कर लेता हूँ। अब ये तो हो गया पहला शॉट, अब दूसरे शॉट पर आते हैं। अब देखो क्या था कि डब्बे को हमें बॉम्ब से उड़ाते हुए दिखाना था कि बॉम्ब फटने के बाद वो डब्बा उड़ता कैसे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ना सिर्फ ढक्कन को ऊपर की तरफ करना था ना कि पूरे डब्बे को। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक धागे का यूज करता हूँ जिसको डब्बे का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बांध देते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ से शुरू करते हैं। अब जो बंदा फ्रेम से आउट हुआ था पहले, वापस से वही सेम लोकेशन से फ्रेम के अंदर आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया, हमने टाइमिंग पहले नोटिस कर रखी थी कि मैं पीछे जाकर के आगे कब आ रहा हूँ, तो वही सेम टाइमिंग पर, मतलब 10 सेकंड मान लो अगर मैंने उसमें लगाया हो तो यहाँ पर भी 10 सेकंड बाद उस धागे की मदद से ढक्कन को ऊपर की तरफ तेज से खींच लेता हूँ। और डब्बे के अंदर पहले से धुआं भर रखा था तो जो धुआं निकला उसके अंदर से वो रियली था, तो इसके लिए देखने में वो भी बहुत रियल लग रहा था। तो दूसरा शॉट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं तीसरे शॉट पर। यस, यहाँ पर मैंने 3 शॉट का यूज किया है। तीसरे शॉट में क्या करता हूँ, जो कपड़ा मैंने पहन रखा था जो कलर का, ब्लैक एंड ब्लू कलर का, सेम कलर का एक और कपड़ा लाए रहते हैं हम लोग, तो उसको सिंपली ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से फेंकते हुए अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये तीनों शॉट जो आप लोग ने देखा, यहाँ पर हमें एक बार में ही सारे शॉट परफेक्ट नहीं मिले थे बल्कि अगले दिन जाकर के हमें वापस से सब कुछ शूट करना पड़ा था। अब ऐसा नहीं है कि पहले दिन का डाटा डिलीट हो गया था बल्कि जो धागा था ना उसको हम लोग ने पहले ही ढक्कन के ऊपर बांध रखा था जिससे उसको इरेज करना पॉसिबल नहीं था। वैसे देखा जाए तो डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप लोग का डाटा गलती से डिलीट या फिर फॉर्मेट हो जाए तो। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आज मैं आप लोग को वंडरशेयर रिकॉर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। वंडरशेयर रिकॉर्ड 2000 से भी ज्यादा स्टोरेज डिवाइसेस और 1000 से भी ज्यादा फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। अब चाहे आप लोग का डाटा गलती से डिलीट हो गया हो या
या फिर फॉर्मेट हो गया हो या फिर क्यों ना गलती से क्रैश ही हो गया हो, सारी चीजें रिकवर कर सकते हो, वो भी 8 के हाई रेजोल्यूशन के साथ में। वेल मान लो गलती से ये कार्ड मेरा फॉर्मेट हो गया हो तो इसको रिकवर कैसे करना है आओ बताता हूँ। तो यहाँ से मैं वंडरशेयर रिकॉर्ड में चला जाता हूँ। उसके बाद जो मैं कार्ड की बात कर रहा था वो ये वाला कार्ड है, मैं फाइल मैनेजर में जाकर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से पूरा फॉर्मेट हो रखा है। वापस से रिकॉर्ड में आते हैं तो सिंपली यहाँ स्कैन पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट, एंड स्कैन करने के बाद जो भी आप लोग का फॉर्मेट है फिर डिलीट हुआ डाटा है आप लोग के सामने ला करके रख देगा। अब इनमें से जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए रहेगी चाहे तो सेलेक्ट करके आप लोग रिकवर कर सकते हो या फिर पूरा एक ही बार में सेलेक्ट करके इजीली रिकवर कर सकते हो। वंडरशेयर रिकॉर्ड में साइफर वीक सेल भी चल रही है तो अभी जाकर के उसका फायदा उठाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तीनों वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर साउंड डिजाइनिंग हमने किस तरीके से करी। तो देखो जैसे कि अगर आप लोग वीडियो में देखोगे तो जो हम लोग चल रहे हैं वो एक घास के ऊपर चल रहे हैं, तो आउटडोर में हम लोग यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर नॉइस काफी ज्यादा होता है। तो अगर मैं साउंड रिकॉर्डिंग करता भी हूँ तो जो मेन हम लोग को रिकॉर्ड करना होता है वो चीज इतना सुनाई नहीं देगी, नॉइस ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए सारी की सारी साउंड रिकॉर्डिंग हम लोग ने इंडोर ही रिकॉर्ड किया हुआ है। एक आर्टिफिशियल घास ले आता हूँ, उसको जमीन पर रखते हैं एंड सेम शू पहनते हुए उसी तरीके से चलते हुए यहाँ पर हम लोग ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड उसी के साथ से जो जो चीजें वीडियो में हुई रहती है लाइक लाइटर से बॉम्ब को जलाने वाला सीन, उसका भी एक ऑडियो अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। डब्बे को बंद करके खोलने वाला ऑडियो, उसका भी अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड जो बॉम्ब फटने वाला ऑडियो था उसको हम लोग ने यूट्यूब से ही डाउनलोड करके एड किया हुआ था। उसके बाद हमने एक नॉर्मल प्लेन आउटडोर ऑडियो भी जाकर के रिकॉर्ड करी हुई थी जिसको मैं एकदम माइनस में रखता हूँ ताकि वीडियो देखने में आउटडोर वाला फील हो बट वो चीज ऑडियो को डिस्टर्ब ना करे। तो अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग और साउंड रिकॉर्डिंग दोनों हो जाती है। अब इसको एडिट कैसे करना है सीधा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से मैं पहली वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जब दूसरा वाला बंदा फ्रेम से आउट हो जाएगा तो देखो यहाँ से फ्रेम से आउट हो रहा है, उसी टाइम हमें नीचे ओवरले पर जाना है एंड दूसरी वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। यहाँ पर प्रॉपर साइज पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाना है, जब मैंने धागे से ढक्कन को ऊपर की तरफ खींचा वहां पर ये वीडियो को स्प्लिट कर देना है एंड ठीक उसी के ऊपर वाली वीडियो को भी सेम स्पॉट पर स्प्लिट कर देना है। वापस से शुरुआत में आते हैं, सेकंड वीडियो पे टैप करेंगे एंड यहाँ पर मास्क पर चले जाएंगे, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर ला करके हमें सेट कर लेना है। नीचे से खींच करके थोड़ा सा फेदर भी बढ़ा सकते हैं। अब हो गया क्या, जो दूसरा वाला बंदा था और मेरी खुद की वीडियो यहाँ पर एक ही टाइमलाइन पर प्ले होने लगेगी। अब वापस से लास्ट में आ जाते हैं, जो ऊपर हमने स्प्लिट करा था उसको टैप करके नीचे ओवरले कर देना है एंड इसी को टैप करके कटआउट में जा करके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। उसके बाद शुरू में टैप करके यहाँ से की फ्रेम को प्लस कर देना है, देन ढक्कन जब फ्रेम से आउट होगा सिंपली ये नीचे वाली वीडियो को ले जा करके एंड में खत्म कर देना है, मतलब डब्बे के ढक्कन के साथ साथ में यहाँ हम लोग को इसको ट्रैक करना है। उसके बाद जो बम फटने वाला पार्ट है वो यहाँ पर एडिट हो जाएगा, देन थोड़ा सा आगे जाकर के वापस से ओवरले पर क्लिक करेंगे एंड इस बार थर्ड वाली वीडियो को ले लेंगे, इसको भी प्रॉपर साइज पर सेट करते हैं। मास्क पर जाएंगे, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ला करके सेट कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ से खींच करके फेदर भी बढ़ा सकते हैं एंड यस ऑल सेट, वीडियो हमारा यहाँ पर प्रॉपरली एडिट हो जाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ एंड यहाँ पर हमने एक हॉरर सीन को क्रिएट किया हुआ है। तो देखो बात कुछ ऐसी है ना, इसके पहले ही मैंने एक हॉरर वीडियो अपलोड करी हुई थी जहाँ पर कब्र में से ऐसा हाथ निकलता है, तो वो वाली वीडियो को लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके इस बार थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का हॉरर सीन बनाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर प्लान कुछ ऐसा था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहूंगा, उसके अंदर से हाथ निकलेगा लाइक जैसे एक भूत का हाथ होता है, वो गला पकड़ेगा एंड ऊपर की तरफ उठाएगा जैसे बहुत सारे हॉरर मूवीज में होता है, बिल्कुल उस तरीके से। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी ना कि इसको अगर हम लोग ग्रीन स्क्रीन के पीछे रिकॉर्ड करेंगे तो उतना रियल नहीं लगेगा चाहे हम लोग कितना भी सारी चीजें बैलेंस कर ले। तो भाई फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि इसको रियल लोकेशन पर ही जा करके शूट करेंगे, जैसा फिल्मों में होता है। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी जेसीबी टाइप की मशीन होती है और सेफ्टी बेल्ट लगा करके ऊपर की तरफ उठाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो स्पॉट हम लोग ने डिसाइड किया हुआ था, लेट सपोज एक पेड़ के नीचे बैठ करके हम लोग सारी चीजें शूट करेंगे तो वहां पर जेसीबी मशीन आएगी कैसे, क्योंकि वो प्रॉपर रोड है नहीं। पर फिर भी हम लोग ने सोचा चलो एक दो जगह ट्राई करके देखते हैं, लेकिन बात करने के बाद वही हुआ, कोई भी वहां पर आने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। एंड फिर जाकर के हम लोग ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके यहाँ पर प्लान बी रेडी किया, जिसमें एक बड़ी सी रस्सी लेकर के पेड़ से लटका देंगे एंड एक तरफ कार के पीछे जाकर के बांध देंगे एंड एक तरफ से बॉडी को लिफ्ट करेंगे। फिर क्या था, सीधा पहुंचते हम लोग लोकेशन पर एंड हाथ पे नेल एक्सटेंशन लगा करके उसमें पेंट कर देते हैं जैसा पहले किए थे और नाखून को थोड़ा सा डरावना दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा शार्प कट कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन पार्ट पर। यहाँ पर एक सेफ्टी बेल्ट लाया रहता हूँ जिसको मैं अंदर से पहनता हूँ ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में इरेज करते टाइम वो दिक्कत ना दे। एंड गाइस अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश आप लोग बिल्कुल भी मत करना, ये आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है। सेफ्टी बेल्ट पहनने के बाद एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से लटका देते हैं जिसको एक तरफ से उसी बेल्ट में
में बांध देते हैं एंड दूसरी तरफ कार के पीछे बांध देते हैं। फिर क्या था, ढेर सारा न्यूज़पेपर भी ले लेता हूँ जिसके बीच में एक चेन कर देते हैं। फोन को हमने अलग अलग डायरेक्शन पर पहले ही सेट कर रखा था। वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं एंड कार को एकदम धीरे से आगे की तरफ मूव करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा पंगा हो रहा था कि जो मूवमेंट हमें चाहिए थी ऊपर जाते हुए वो यहाँ पर स्मूथ नहीं हो पा रही थी। हमने बहुत सारा टेक लिया बट फिर भी उतना स्मूथ हमें यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली 5 दिन वही सेम लोकेशन पर जा जाकर के शूट करना पड़ा। हर बार हम लोग अलग अलग पेड़ की जो डाल होती है उस पर डाल डाल करके ट्राई कर रहे थे कि किस पे हम लोग को यहाँ पर स्मूथ मूवमेंट मिल पाएगी। एंड फाइनली 5 दिन बाद यहाँ पर हम लोग को एक परफेक्ट शॉट मिल ही जाता है। तो भाई अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद इसको मैंने एडिट कैसे करा, आओ वो देख लेते हैं। अब देखो इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जो शर्ट की कॉलर बाहर निकली हुई है उसको सही करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं शुरू के पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लूंगा एंड इसी फोटो को AI की मदद से वो कॉलर को यहाँ पर मैं फिक्स कर लेता हूँ बिल्कुल इस तरीके से। अब यही फिक्स वाली इमेज को सिर्फ ये कॉलर के पार्ट तक का मैं एक अलग से PNG बना लेता हूँ बिल्कुल इस तरीके से। सब कुछ रेडी करने के बाद वीडियो एडिट पर आते हैं एंड सेकंड वाली वीडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। नीचे ओवरले पर जाकर के पहली वाली वीडियो को ले लेना है, प्रॉपर साइज पर सेट करेंगे, उसके बाद कटआउट में जाकर के यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। अब देखो इतना करने से यहाँ पर हमारी जो ऊपर की रस्सी थी पेड़ पे जो लटकाई थी वो इरेज हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सामने जो बंदा बैठा हुआ है इसको इरेज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से फर्स्ट वाली वीडियो पे टैप करेंगे एंड इसी को कॉपी करना है एंड कॉपी वाली वीडियो को यहाँ पर ओवरले कर लेना है। इसको पकड़ के थर्ड लेयर पर लाएंगे एंड शुरू में ले जाकर के एकदम इसको छोड़ देना है। देन उसी लेयर को टैप करके यहाँ पर मास्क पे जाएंगे एंड ये सर्कल को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। अब इसी सर्कल से वो बंदे को पूरा का पूरा यहाँ हम लोग इरेज करेंगे। तो सिंपली यहाँ से की फ्रेम को प्लस करते हैं एंड फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पर हम लोग सर्कल को मूव करते रहेंगे। ये एक्चुअल में काफी लंबा प्रोसेस है, ये मैं रफली करके दिखा रहा हूँ। इसको एक्चुअल में बनाने में हमें बहुत ज्यादा समय लगा था। वेल रफली करने के बाद भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी हद तक सामने वाला बंदा जो था वो रिमूव हो चुका है। अब बचा कॉलर वाला पार्ट जो हमने शुरू में PNG बना रखी थी, तो उसके लिए अगेन हम लोग ओवरले पर जाएंगे एंड वही PNG को यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद इसकी पोजीशन को कॉलर पर ले जाकर के एकदम प्रॉपर तरीके से सेट कर लेता हूँ। की फ्रेम को यहाँ से प्लस करता हूँ एंड अगेन इसको भी यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम मैंने ट्रैक कर रखा था। तो ये भी काफी लंबा प्रोसेस है, तो उतना लंबा करके मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ। तो एकदम रफली करके बता रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको एडिट किया था। एक्चुअली सारा कुछ करने के बाद वीडियो हम लोग का यहाँ पर एडिट हो जाता है।